यूपी उपचुनाव में मैनपुरी की करहल सीट का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर करहल से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। पर्चा दाखिल करने के बाद अनुजेश यादव विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी जीत का संकेत देते रहे। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक अनुजेश के नामांकन की खास बात ये रही कि इस दौरान उनकी मां उर्मिला देवी भी उनके साथ रही। उर्मिला देवी घिरौर विधानसभा से विधायक रह चुकी हैं। घिरौर को बाद में करहल विधानसभा में जोड़ दिया गया, इसलिए नामांकन के दौरान उर्मिला देवी सभी का ध्यान आकर्षित करती रही। नामांकन के बाद अनुजेश की मां उर्मिला देवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बेटे को टिकट दिया है, यह आप सभी के प्यार और सहयोग का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जनता बहुत दिनों से किसी ऐसे प्रत्याशी को चाहती थी जिसे यहां के लोग अपना प्यार दुलार दे सके। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अनुजेश को टिकट दी है, आप सबके सहयोग और प्यार को देख के और जनता के प्यार को देख के कि जनता बहुत दिन से चिल्ला रही है कि कोई प्रत्याशी ऐसा उतारा जाए जैसी हमारी भारतीय जनता पार्टी अच्छे मत विचारों की, वैसा ही प्रत्याशी भी मिले अच्छे विचारों का। और आप लोग सभी हमारे परिवार से तो अच्छी तरह परिचित हैं। अनुजेश यादव के सामने उनके ही करीबी रिश्तेदार सेफई परिवार के अहम सदस्य और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव मैदान में हैं। तेज प्रताप यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चचेरी भाई है, इसलिए यह चुनावी लड़ाई एक दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, मैनपुरी।